हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। सो भाई, इस वाले गेम पे ना भाई, मतलब मैं रैंडमली खेल रहा था, मतलब पूरा वीडियो में रैंडमली खेल रहा हूँ मैं। शायद से एक बंदा मिला था मुझे एंड शायद लास्ट वाले गेम पे मैं उसके साथ खेला था। फिर इस वाले गेम पे की बात करें तो यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत लूट करता हूँ एंड जाने लगता हूँ भाई मिड की ओर। एंड यहाँ पे मैं अपने कुछ मतलब टीममेट्स को बोल रहा था कि भाई बैट डिफेंस करो, लेकिन भाई सारे इग्नोर मार रहे हैं यार मुझे। अब एक बंदा स्पॉन हुआ, उसको बोला भाई अभी ये बंदा यहाँ से आता है। मतलब क्या भाई, बंदे रश भी कर दिया, बैट डिफेंस भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम दोनों बंदे थे, सो ये बंदा डर के थोड़ा पीछे भाग जाता है, लेकिन मैंने इसको कॉम्बो मार के पूरा किल कर दिया। खैर, कॉम्बो कैसा लगा कमेंट करना यार। एंड आजकल यार आप लोग कमेंट भी नहीं कर रहे हो यार। और भाई ये देखो, मेरा मतलब इंटरनेट भी खत्म होने वाला है, मतलब 4 दिन बाकी है। एंड 4 दिन में पूरा इंटरनेट गया, खत्म हो गया पूरा प्लान। खैर, यहाँ पर मैं फिर से लूट करता हूँ थोड़ी बहुत एंड फिर से जाने की कोशिश कर रहा होता, तभी यहाँ पे वही बंदा फिर से आता है। अभी इस बंदे को भाई कुछ ज़्यादा ही चुल मची थी एंड तभी यहाँ पे वो बंदा जो था वो अटक जाता है यार, मतलब हवाई में अटक जाता है। सो उस बंदे को थोड़ा पीछे धक्का दिया एंड वो आ गया गया। सब मैंने उसको धक्का मारा लेकिन मैं बच गया एंड वो वर्ड में गिर गया। तो यहाँ पर मैं फिर ऊपर जाता हूँ एंड थोड़ी बहुत फिर से लूट करता हूँ, तभी भाई ये बंदा फिर से आ जाता। भाई को क्या चूल मची है भाई हमारा बेट तोड़ने की। इसके पास ना पिकेक्स है ना कुछ है, आगते जा रहे एंड मरते जा रहे। खैर, यहाँ पे इसकी बारी थी, सो यहाँ पे मैं उसके बेड पे जाता हूँ एंड क्या होता है आगे देखो। यहाँ पे भाई सामने से दो बंदे हुए आते हुए दिखते हैं। सो यहाँ पे मैं थोड़े बहुत ऊपर की तरफ ब्रिज करता हूँ एंड क्या होता है आगे देखना। अब यहाँ पे मैं साइड से ब्रिज करके आगे गया एंड वो बंदे भाग गए। तो यहाँ पे मैंने उन्हीं के ब्रिज पे गया एंड यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, मतलब उनको ब्लॉक कर दिया ताकि वो पीछे ना जा पाए। अब यहाँ पे भाई हमारे साइड से एक बंदा जो है ब्रिज करके जाता है एंड यहाँ पे भाई आगे कुछ गलत सीन होता है। अब यहाँ पे वो TNT लगाता है लेकिन मैंने बेट पहले ही तोड़ दिया। अब यहाँ पे इस बंदे को खत्म किया एंड मैं लूट करने लगा। अब उस बंदे को किसने किल कर दिया मुझे मालूम नहीं, मुझे लगा ये बंदा अपना है। अब भाई जैसे इसने मारना स्टार्ट किया ना, अब मैं भागने लगा, फिर पता चला कि भाई ये तो अपने टीममेट नहीं है भाई, ये तो एनिमीज है। अब मैं यहाँ पे आया एंड तो एंड एक बंदे को नीचे गिरा था लेकिन दूसरा बंदा मुझे किल कर देता है क्योंकि हेल्थ नहीं थी मेरे पास। सो अब मैं आ जाता हूँ भाई ग्रीन के बेस की ओर, क्योंकि यहाँ पे भाई एक रेड का लास्ट बंदा था एंड उस बंदे को देखना यार, मतलब क्या कर रहा है भाई, अंदर ही अंदर मार रहा जा रहा है। खैर, यहाँ पे इसको किल किया, तभी विक्ट्री हो जाती है एंड इस वाले गेम में होते भाई 5 किल्स। एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की ओर। सो ये भाई हमारा दूसरा मैच एंड इस वाले मैच में ना भाई, मतलब मैं ज़्यादा आयरन वगैरह कलेक्ट नहीं करता क्योंकि ज़्यादा वुल लगती नहीं है, क्योंकि बस यहाँ से जस्ट थोड़ा बहुत ब्लॉक लगाओ एंड मिड आ जाता है डायरेक्ट। एंड मिड से भाई भागते भागते जाओ ओपोनेंट पे एंड वहाँ पे ज़्यादा मत कुछ वुल वगैरह लगता नहीं है। तो यहाँ पे मैं मिड में जाता हूँ एंड एक बंदा पहले से ही भाग चुका था जो कि हमारा बंदा था। तो यहाँ पे मैं उसके पीछे भी जाता हूँ एंड यहाँ पे क्या सीन होता है देखना। यहाँ पे ये ब्लू वाला बंदा भाई ब्रिज से ऊपर चढ़ते हुए भाई हमारे दोस्त को मतलब डरा रहा था शायद से, क्या कर रहा था मालूम नहीं था। एंड यहाँ पे आके भाई मतलब थोड़ा गलत ब्रिज कर दिया था। यहाँ पर मैं आया एंड बेट का डिफेंस तोड़ा लेकिन ये बंदा भाई बीच में आ गया, तो मैं कुछ कर नहीं पाया, बेट तोड़ नहीं पाया। सो आगे जाता हूँ तभी भाई हमारा रेड का बंदा जो था वो बेट तोड़ दिया लेकिन इन लोगों ने भाई मुझे तोड़ दिया। फिर यहाँ पर मैं फिर से रिस्पॉन होकर जाता हूँ एंड तभी एक और ब्लू का बंदा यहाँ पर भागता हुआ दिखता है। सो इसको मैंने एक फटका मारा एंड पूरी ब्लू टीम एलिमिनेट हो जाती है। सो इसके बेस पर जाते हैं एंड थोड़ी बहुत लूट करते हैं। अब मैं आके जाके किल हो चुका था एंड जैसे ही रिस्पॉन होता तभी ये बंदा दिखता है जिसने TNT फाड़ा एंड बेट भाई टूट नहीं वाला था। अच्छा हुआ भाई बंदा भाई ग्लिच कर गया एंड पता नहीं क्या हो गया इसके साथ। सो यहाँ पे वो बंदा जाता है हमारे टीम का बंदा एंड थोड़े बहुत एंड स्टोन वगैरह लाता है एंड बेट डिफेंस करते हैं फिर से। और फिर मैं आ जाता हूँ भाई ग्रीन के बेस की ओर। यहाँ पे भाई हमारे बंदे एंड ग्रीन के बेस मतलब ग्रीन वाले बंदे के साथ फाइट चल रही होती है। सो यहाँ पे मैंने बीच में उसके भाई किल चोरी कर लिया। अब यहाँ पे एक और ग्रीन का बंदा था जिसको मैंने किल कर दिया, मतलब किल चोरी हो गया, मतलब क्या कहूँ मैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ एंड इस बंदे के पास देखो पिकेक्स भी नहीं है। सो यहाँ पे मैंने बेट तोड़ दिया एंड तभी वो बंदा भाई देखो क्या मतलब जादूगर था क्या, लैग हो रहा था या बहुत ज्यादा जादूगर तो नहीं था। अब उस बंदे को भाई नीचे गिरा दिया एंड यहाँ पे फिर से थोड़ी बहुत लूट करते हैं। और भाई मुझे से मिड में आता हूँ तभी भाई ऑटो क्लिकर मिलता है, मतलब देख रहे हो कैसे मार रहा है ये। को एक फायर चार्ज मारा लेकिन भाई ये कुछ हो नहीं पाया मुझसे। खैर, यहाँ पे मैं रिस्पॉन होता हूँ तभी वो बंदा फिर से आता है यहाँ पे। और देख रहे हो बंदा ये कैसे मार रहा है, मतलब शिफ्ट कैसे कर रहा है, मतलब डायरेक्ट वूल से भाई डायरेक्ट स्वॉर्ड में वो भी मारते मारते। खैर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि भाई ये बंदा हैकर है साइड से। और फिर मैं भाई जाता हूँ तभी भाई हमारे बंदे उसको किल कर देते हैं। खैर, यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड तभी एक बंदा फायर चार्ज मारता है एंड TNT लगाता है। खैर, इस बंदे को मैंने भाई क्या ही कॉम्बो मारा यार। इस कॉम्बो के लिए ना एक लाइक जरूर से कर देना और लाइक टारगेट है भाई 50 है। आजकल आप लोग भाई लाइक भी ज़्यादा नहीं करते यार, लाइक कर देगा रो यार, अच्छा लगता है। खैर,
खैर अब मैं आ गया था भाई येलो के बेस पे एंड यहाँ पे भाई बहुत खतरनाक सीन होने वाला है। अब यहाँ पे मैंने भाई ये डिफेंस तो थोड़ा बहुत तोड़ दिया था, लेकिन ये बंदा आ गया सो मैंने इसको तोड़ दिया। एंड तभी एक और बंदा जो है पीछे से आता है, सब मैं भागने लगता घूम के गया। एंड यहाँ पे मैं भाई तोड़ने लगता, मुझे लगता ये बेड है लेकिन बेड नहीं टूटा, डिफेंस अभी बाकी था टूटना। सब मैं फिर से घूम घाम के जाता हूँ एंड यहाँ पे एक और मतलब ब्लॉक तोड़ देता हूँ, लेकिन ये बंदा भाई आके मारने लगते सो यहाँ पे मैं फिर भागने लगता हूँ। एंड भागते भागते यहाँ पे आता हूँ एंड ऊपर की तरफ ब्रीच करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन एक बंदे ने मुझे नीचे गिरा दिया। एंड यहाँ पे मैं फिर से भाग रहा था एंड फिर से ट्राई करता हूँ बेड तोड़ने का, लेकिन बेड नहीं टूटता और ये बंदे मुझे किल कर देते हैं। सो यहाँ पे मैं भाई फिर से जाने लगता हूँ येल्लो के बेस पे। एंड इस बंदे को देखो यार, मतलब एप्पल खा रहा था सो ये भाई एप्पल खाने में बिजी रह गया एंड मैं उसके बेस पे चला गया। अब यहाँ पे एक बंदा सामने था सो यहाँ पे मैंने लेन बदल ली एंड भाई फायर चार्ज से बच गया यार मैं। अब इसके पास एक और फायर चार्ज था जिसके कुछ हुआ नहीं एंड यहाँ पे आके भाई मैंने फाइनली बेट तोड़ दिया इनका। उसके बाद यहाँ पे मैं भागने लगता हूँ एंड एक बंदा नीचे गिर गया था सो उसको मैंने इग्नोर कर दिया। एंड यहाँ पे दो बंदे थे सो इस बंदे को भाई मैंने पकड़ दिया एंड पूरा नीचे गिरा एंड पूरी मतलब हेल्थ वगैरह खा गया मैं। लेकिन यह बंदा भाई भागने लगता है क्योंकि भाई उसकी हेल्थ कम थी एंड मैं यहाँ पे अटक जाता हूँ। सो मैं इन बंदों को मारने लगता हूँ एंड यहाँ पे क्या होता है अगर देखना आप लोग, यहाँ पे मुझे एक बंदा पीछे से मार देता है। अब मैं भाई यहाँ से जैसे ही रिस्पॉन होकर येलो के बेस की तरफ जाने लगता हूँ तभी भाई यहाँ पे विक्ट्री हो जाती है एंड इस वाले गेम पे मेरे भाई 9 किल्स। एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की ओर। सो ये भाई हमारा तीसरा और सबसे आखिरी वाला गेम प्ले। एंड इस वाला गेम प्ले में भाई मेरा एक फैन के साथ खेल रहा था मैं शायद से, मतलब एक फैन भी था उसको रेंडमली मिल गया था उसके साथ खेल रहा था मैं जानते नहीं उसको ज़्यादा। खैर यहाँ पर मैं भाई अपने गोल्ड को एंडर चेस्ट में रखता हूँ एंड जाने लगता हूँ भाई मिड की ओर। यहाँ पे ना भाई ये बंदे भाई मतलब सीधा ब्रिज करके भाग जाता है एंड भाई कोई भी बंदा एरर कर आके भाई हमारा बेट तोड़ जाता है। सो यहाँ पे भाई ये जब भी आप मतलब मेरे साथ खेल रहे हो या फिर अकेले में खेल रहे हो सो भाई ब्रिज को जो है थोड़ा ऊपर की साइड ब्रिज करते करते करो यार, मतलब ऊपर की साइड ब्रिज करो। खैर यहाँ पे ये बंदा आता है एंड ये बंदा भाई मेरे मतलब टीममेट को किल कर देता है। एंड ये बंदा कुछ ज़्यादा ही तगड़ा था एंड शायद से पीसी वाला था। खैर यहाँ पे ये बंदा जो ऊपर की तरफ जाता है एंड हमारे बेस की तरफ जाने लगता है। यहाँ पे भाई मैं भी ऊपर जाता हूँ एंड यहाँ पे क्या सीन रहता है देखना। अब अभी मेरे से जंप नहीं हुआ वरना मैं उस बंदे को नीचे गिरा देता। सो उसके बाद मैं भाई फिर से जाने लगता हूँ ब्लू के बेस की ओर एंड यहाँ पे मैंने कुछ लिया नहीं था। खैर यहाँ पे ब्रिज था जो कि अच्छी बात थी। सो यहाँ पे इस बंदे को भाई मैंने थोड़ा बहुत फटके मारा एंड पीछे आके बेट तोड़ दिया। अभी ये बंदा मुड़ के आता है एंड मैंने इस बंदे को भाई कॉम्बो मार के किल कर दिया। अभी यहाँ पे एक बंदा रिस्पॉन हो चुका था सो उस बंदे को भी मैं किल कर दूँ। एंड भाई तू घर जा यार अपने, मतलब लोबी जाता हूँ अपने। खैर इस बंदे को किल करने के साथ ही पूरी ब्लू टीम एलिमिनेट हो जाती है एंड यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत लूट करता हूँ। और जैसे भाई मिड में पहुंचा तभी यहाँ पे दो ग्रीन के बंदे मेरे पीछे पड़ जाते हैं, जिसमें भाई मैंने एक को पकड़ा लेकिन वो भाग गया। अब दूसरा वाला है उसको पकड़ा एंड उसको किल किया, तभी वो दूसरा वाला बंदा भाग गया। अब मुझे लगा ये बंदा अपना है एंड उसको भी लगा ये बंदा कहीं और है, तो हम दोनों को मार लगे एक दूसरे को, लेकिन ये भाई हमारे टीममेट थे तो कुछ होता नहीं है। तो इस बंदे के पीछे भी जाता हूँ एंड तभी मेरा प्लान चेंज हो जाता है एंड मैं जाता हूँ भाई ग्रीन के बेस की ओर, क्योंकि ग्रीन का बेट तोड़ना था मुझे बेट। सो यहाँ पे आके भाई मैं थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ ब्रिज करके जाने लगता हूँ एंड सामने से भाई बंदा आ रहा था एक, सो यहाँ पे मैंने थोड़ा ऊपर की तरफ ब्रिज कर दिया। एंड इनका भाई बेट डिफेंस देखो, खैर यहाँ पे मेरे पास फायर चार्ज था एंड देखना भाई बेड क्या ओपन हुआ यार, मतलब कितना एरिया खा गया ये। यहाँ पे इस बंदे को भाई पूरा किल कर दिया एंड तभी एक और बंदा पीछे से आता है जो कि कुछ ज़्यादा तगड़ा था, लेकिन मैं घूम घाम के पूरा उसको किल कर दिया। खैर उसके बाद यहाँ पे मैं जैसे ही लूट करता हूँ ना तभी एक ग्रीन का बंदा यहाँ पे आता है, ये देख रहा आ रहा है। अब यहाँ पे आके ये बंदा उनको ऊपर की तरफ ब्रिज करने लगता है सो मेरे कुछ कर नहीं पड़ता। सो यहाँ पे मेरे पास फायर चार्ज नहीं था, तो यहाँ पे मैंने फायर चार्ज जैसे ही खरीदा तभी वो बंदा मतलब नीचे आता है एंड मुझे डैमेज कर देता है। सो यहाँ पे मैं भागने लगता हूँ एंड यहाँ पे आके भाई थोड़े बहुत आगे जाके मैं TNT लगाता हूँ, उसके बाद फिर से भागने लगता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या सीन होता है देखना, अब वो बंदा अटक तो जाता है लेकिन यहाँ पे मैं खुद ही नीचे गिर जाता हूँ। तो टूट गया मैं तो अब। तो उसके बाद रिस्पॉन का लूट करके आता हूँ मिड में, तभी यहाँ पे भाई हमारे एक बंदा जो था वो येलो के पीछे पड़ा हुआ था। तो मैं भाई थोड़ी स्ट्रेटेजी लगाई साइड से गया एंड इस बंदे को भाई एक फटके में पूरा किल कर दिया, मतलब ग्रीन के बेस से लूट करके निकला एंड तभी विक्ट्री हो जाती है यार। सो खैर इस वाले वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो यार तो कमेंट कर देना एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।